व्यूवर्स, वेलकम बैक टू क्रिएटिव गार्डनिंग। ये देखिए, आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ एक अमेजिंग फर्टिलाइज़र जो मैं अपने प्लांट्स पर रेगुलरली देती रहती हूँ, कम से कम महीने में एक बार तो ज़रूर देती हूँ। देखिए, ये चने हैं और रात में मैंने चने भिगोए थे, आज लंच में बनाना था तो मैं इसके लिए तब फर्टिलाइज़र भी तैयार कर रही थी, सोचा आपसे शेयर कर दूँगी। तो जो लोग इसको नहीं जानते वो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ये देखिए, जब हम चने भिगोते हैं तो जो पानी निकलता है वो पानी हम क्या करते हैं, ज़ाया कर देते हैं, फेंक देते हैं। नहीं, इतना फ़ायदेमंद है, इतना बेस्ट फर्टिलाइज़र है ये हमारे प्लांट्स के लिए। इसमें पाए जाते हैं ढेर सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, प्रोटीन है, आयरन है, कैल्शियम है, और ये सारा कुछ हम क्या कर देते हैं, जब व्हेन वी वॉश हम ये सारा फेंक देते हैं। आइंदा से कभी इसको मत फेंकेगा, ये इट जस्ट डज वंडर्स टू द प्लांट्स। देखिए, फिर चाहे वो आपके इनडोर प्लांट्स हो या आउटडोर प्लांट्स हो, इसके पत्तियों के कलर्स को इन्हेंस करता है, उसकी ग्रोथ को बढ़ाता है। और फूल वाले पौधे होंगे तो ढेर सारे उसमें फ्लावरिंग होगी, फल वाले होंगे तो फ्रूटिंग होगी, और फोलिएज वाले होंगे तो बेहतरीन कलर्स उसमें निखर कर आएंगे। ये वो सारे किचन वेस्ट स्टफ़ है जो हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं और हम बस फेंक देते हैं, लेकिन मेरी गार्डनिंग इज़ ऑल अबाउट किचन वेस्ट। जो भी किचन में निकलता है मैं बिल्कुल ज़ाया नहीं करती, उस सारों को मैं प्लांट्स पर ही यूज़ करती हूँ। तो आइंदा जब भी आप चने इस्तेमाल करें उसका पानी बिल्कुल मत फेंकिएगा। इस पानी में और थोड़ा सा आप प्लेन वाटर ऐड कर सकते हैं और अपने प्लांट्स को दे सकते हैं। पसंद आया वीडियो लाइक ज़रूर कीजिए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। टिल वी मीट अगेन, बाय।